रोहतास जिले के चिनारी विधानसभा के पूर्व विधायक प्रत्याशी सह राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश संगठन सचिव मुंगेली पासवान ने चिनारी विधानसभा को लेकर एक बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके का विकास चिनारी विधानसभा का होना चाहिए था उसमें कहीं पीछे है। साथ ही मुंगेली पासवान ने कहा कि बिहार में महागठबंधन की सरकार है, उसके बाद भी बिहार में विकास कार्य नहीं दिख रहा है। आपको सुनाते हैं कि हमारे संवाददाता शिव कुमार ओझा से खास बातचीत में क्या कुछ कहा मुंगेली पासवान ने, देखिए रिपोर्ट। स्वागत है सभी का न्यूज 9 में। हम मौजूद है अभी चिनारी विधानसभा में और हमारे साथ मौजूद है चिनारी विधानसभा के पूर्व विधायक प्रत्याशी मुंगेली पासवान जी और राष्ट्रीय लोजपा के प्रदेश संगठन सचिव भी हैं अभी वर्तमान में। आइए कुछ बात करेंगे चिनारी विधानसभा के बारे में। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार। चिनारी विधानसभा सब चुनाव लड़े हैं और वर्तमान में चिनारी विधानसभा के जो विधायक हैं बिहार सरकार में मंत्री हैं। चिनारी विधानसभा में अब आप किस तरीके से देख रहे हैं कि विकास होगा? देखिए, पहले तो मैं चिनारी के जो वर्तमान विधायक मंत्री बने हैं दुआरी गौतम जी, मैं उनको अपने ओर से बधाई दूंगा। बात रही विकास की, तो हमारे समझ से NDA से दूर रहकर बिहार में विकास नाम का कोई चीज नहीं है। चिनारी विधानसभा का जो मेन रोड है, आपको बता दें, जो धौरा जाकर मिलती है उदास से जाकर रहे होते हुए, आज रोड बन जाए तो जितने भी पहाड़ पर के लोग हैं, बनवासी लोग हैं, सभी लोग अपनी पत्नी को डिलीवरी कराने से लेकर अपने माता पिता का इलाज कराने तक पैदल या ट्रैक्टर पर बैठ कर आते हैं, उसको विकास कैसे कर सकते हैं? इसलिए जब अगर चुनाव होगा, हम लोग सरकार बने, विकास होगा। जिस तरीके से आप क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं, आप चुनाव भी लड़े हैं, लेकिन उस तरीके का आपको मैंडेट नहीं मिल पाया, कहाँ कमी रह गई? देखिए, आज का जो चुनाव है पार्टी पर चुनाव हो गया है और जो मेरा डिसीजन था गलत डिसीजन था, मैंने गलत पार्टी से चुनाव लड़ा, क्षेत्र में जनता का समर्थन नहीं मिल पाया, लेकिन लोग मेरे साथ हैं, बाकी काम में हम लोग दुख में सुख में साथ रहते हैं, परमानेंट 24 घंटा हम जनता का सेवा करते रहते हैं, इसमें कोई कहीं कभी नहीं है और उसका समर्थन मिलता है मुझे, लेकिन वोट ले लेना और समर्थन लेना दोनों अंतर है। वोट लोग पार्टी पर होता है और पार्टी समर्थन व्यक्तिगत मिलता है। व्यक्तिगत जो है मुझे अपार समर्थन आज तक भी मिलती रही है जनता चिनारी विधानसभा के लोगों के साथ, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि चुनाव के बाद भी लोग हमसे मिलते जुलते हैं, हम बुलाते भी हैं, जाते भी हैं, लगे फिर भी मौका मिला तो चुनाव लड़ा जाएगा। जिस तरीके से बिहार में लोजपा की दो पार्टी हो गई है, एक और चिराग पासवान है, एक और उनके चाचा जी हैं, तो क्या लगता है कहीं चाचा अपने भतीजे को भारी तो नहीं दिख रहे? लगातार चिराग पासवान पूरे बिहार में दौरा कर रहे हैं। देखिए, भारी की बात है, चाचा तो भतीजे पर भारी रहते भी हैं और रहेंगे भी, कि सिर्फ उन्हीं का नहीं, चाहे हमारे चाचा हों, चाहे आपके चाचा हों, चाहे आपके पिताजी हों, अगर एक बेटा कभी सोचे कि हम अपने पिता की बराबरी कर लें तो बस की बात नहीं है। और बाकी पॉलिटिक्स है, उनका अपना परिवार है, परिवार में मैं नहीं जाना चाहता हूँ, और चुनाव में कुछ भी हो सकता है, पार्टी आज है कल एक भी हो सकती है, तो उनका अपना उतना हम लोग नहीं सोचते हैं। मान लीजिए दो दो अध्यक्ष बने हुए हैं, चिराग जी भी हैं और पशुपति पारा जी भी हैं, दोनों लोग अपना अपना बिहार का दौरा हो रहा है, अपना अपना पार्टी को लोग मजबूत करने में लगे हैं, बाद में कहा होगा इसका मुझे कोई जानकारी नहीं है। बिहार में महागठबंधन की सरकार फिर से बन गई है, इस सरकार से पहले तेजस्वी यादव लगातार बोलते थे कि डबल इंजन की सरकार है, उसके बाद भी काम नहीं हो रहा, आप तो खुद नीतीश कुमार के साथ आ गए तेजस्वी यादव, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे यही नहीं लगता है कि जो आदमी आज रात के चोर हम कहते हैं और फिर
दूसरे सुबह जब होती है उसी आदमी को साधु कहते हैं। तो यहाँ आदमी का जो अपना ईमान है मर जाता है, जैसे ही लोभ मिल जाता है कि कुर्सी अब हमको मिलने वाला है, उस दिन आदमी का बोली जो चेंज होता है। आप सही कहे कि तेजस्वी जी नीतीश कुमार जी को क्या नहीं कहे, उनके पिताजी भी उनके माताजी भी, लेकिन आज जो हैं मतलब वो तेजस्वी जी के लिए चंदन हो गए, उनको अपने ललाट पर लगा कर चल रहे हैं। तो इन लोग का सोच है अपना अभी चलने वाला नहीं है, ऐसा नहीं है क्योंकि तो राजद के साथ कोई रहकर खुश नहीं रह सकता है, चाहे कोई भी पार्टी हो, क्योंकि उन लोग का अपना वर्चस्व ज़्यादा है, हमारा वर्चस्व चले। तो हम लोग भी देखे हैं, हम तो जे डी यू के साथ भी 15 साल काम किए हैं, नीतीश कुमार के साथ भी। नीतीश कुमार जी किसी के बस में काम नहीं करते ही मैं जानता हूँ। तो हो सकता है फिर बहुत जल्द बिखराव आ जाए, अभी मैं कह नहीं सकता हूँ, लेकिन लगता है कुछ बयानबाजी से लग रहा है कि गठबंधन जो है चलने वाला नहीं है और फिर टूटेगा इलेक्शन से पहले। तेजस्वी यादव ने तो युवाओं के लिए बहुत बड़ा ऑफर दिया था कि रोजगार के लिए, लेकिन सरकार में आने के बाद अभी तक कुछ ऐसा देख नहीं है। एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, रोजगार देना, अभी जो टीचर लोग हैं उनका समय पर पेमेंट नहीं हो पा रहा है, और रोजगार देकर आप पैसा कहाँ से लाइएगा? बिहार में आमदनी कहाँ से है? आज हम कह दें हमारे घर में 20 परिवार है कि हर देंगे हो देंगे, लेकिन पैसा का स्रोत होना चाहिए, आपके पास आर्थिक स्थिति होनी चाहिए, आप पैसा कहाँ से लाइएगा? मात्र आपके पास बालू बचा हुआ है, जो रेवेन्यू मिलने वाला है रेवेन्यू सारा बंद है, बाहर बंद है, बालू का वही हाल है। आज देख रहे हैं बालू जो कुछ डांक हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, आगे होगा सरकार क्या नीति है समझ में नहीं आ रहा है। आखिर रोजगार देने के लिए पैसा चाहिए ना, और पैसा आप देख सकते हैं कि बिहार में पैसा का जरिया क्या है, कहाँ से पैसा आएगी? तो फिर रोजगार दे सकते हैं, मान सकते हैं, लेकिन वही होगा पेमेंट साल बर्बाद होगा, दूसरा बाद होगा, लोग रोड पाएगा तब पेमेंट होगा। बिहार में नीतीश कुमार का एक बड़ा फैसला था शराबबंदी का, आप इसको किस नज़र से देखते हैं, कितना सफल है बिहार में? शराबबंदी सिर्फ नाम का है, शराबबंदी जो है भूत जैसा है, जिसे भूत देखने को नहीं मिलता है, हर जगह मिल जाता है, वैसे शराब है देखने को नहीं मिलता है, लेकिन मौका मिले तो मिल जाएगा, वही है। इसमें क्या करना है, कितना सफल है कुछ समझ सकते हैं। तो अभी आप सुन रहे थे चिनारी विधानसभा के पूर्व विधायक प्रत्याशी मंजरी पासवान पत्रे का प्रश्न बलू कुमार के साथ, मैं शिव कुमार नारायण रोहतास। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।